नमस्कार। चैप्टर 6 ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में गिवन है हमारे पास डायगोनल्स एसी एंड बीडी ऑफ अ ट्रेपेजियम एबीसीडी। तो फिगर दिया हुआ नहीं, बनाना एक ट्रेपेजियम बनाना है जिसमें एबी और डीसी क्या है, पैरेलल है, ठीक है। विथ एबी पैरेलल डीसी इंटरसेक्ट ईच अदर, ये जो डायगोनल है इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ईच अदर एट पॉइंट ओ यूजिंग अ सिमिलरिटी क्राइटेरियन। सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज करना है हमको फॉर टू ट्राइंगल शो दैट ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल ओ बी अपॉन ओ डी। तो सॉल्यूशन में हमने ये जो गिवन है इसको लिख दिया है और प्रूव करना है ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल ओ बी अपॉन ओ डी, ठीक है। अब हम लेते हैं इन ट्राइंगल ए ओ ओ ए बी एंड ओ सी डी, मीन्स ये एंड ये। क्यों हम ले रहे हैं? क्योंकि जब दो लाइन पैरेलल हो, इसके पहले आपने ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं पिछले क्लासों में कि दो पैरेलल लाइन हो और यदि एक लाइन उन्हें इंटरसेक्ट कर रही हो तो ये एंगल और ये एंगल क्या एंगल कहलाते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये एंड ये। तो किस किस ट्राइंगल में, हम एक ये ट्राइंगल ले लेते हैं ए ओ बी इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ओ सी डी। तो एंगल ए और एंगल सी क्या है, इक्वल हो जाएंगे। तो ट्राइंगल ओ ए बी इक्वल ट्राइंगल ओ सी डी क्यों होंगे, इसका हमको रीजन देना है। हमने बताया भी आपको ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और ये दो पैरेलल लाइन इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। इसका रीजन देंगे बिकॉज ए बी पैरेलल डी सी एंड ए सी इंटरसेक्ट देन, सो इट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, ठीक है। सेकेंड हम लेते हैं इसी तरह एंगल बी और एंगल डी भी इक्वल होगा क्योंकि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है ना। तो ये एंगल बी और ये एंगल डी ले लेते हैं, ठीक है। तो ओ बी ए पहले लिख लेते हैं किस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल, ये इसी ट्राइंगल के लिए ले रहे हैं हम, ठीक है। इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को लिया हमने तो एंगल बी, ट्राइंगल ओ बी ए इक्वल ट्राइंगल ओ डी सी, ठीक है। ये भी सेम रीजन है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो यहां भी रीजन हमको लिखना ही लिखना है बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ए बी पैरेलल डी सी एंड बी डी। यहां से देखिए बी डी इंटरसेक्ट कर रही है, यहां पर ए सी इंटरसेक्ट कर रहा था, ऊपर दिखाती हूं मैं, यहां पर देखिए इसके लिए ए बी इंटरसेक्ट कर रहा था तो ये दोनों एंगल इक्वल थे अल्टरनेट। अभी यहां पर बी डी जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट कर रहा है इन दोनों लाइन को, बी डी इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये और ये इक्वल होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बी डी इंटरसेक्ट देन, सो ये दोनों इक्वल हो रहा है, ठीक है। सो हम यहां पर क्या लिखेंगे, इससे क्या हो जा रहा है हमारे पास, हम जान रहे हैं कि ये दोनों ट्राइंगल, देखिए दो एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। जब किसी दो ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हो तो ए ए क्राइटेरियन से क्या हो जाता है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो ट्राइंगल ओ ए बी सिमिलर ट्राइंगल ओ सी डी, ये जो हमने ट्राइंगल लिया ये दोनों सिमिलर हो गए, ठीक है। किस क्राइटेरियन से,
ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन। ठीक है, अब जब ये दोनों सिमिलर हैं तो क्लियर है, जब दो एंगल ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स क्या होते हैं, प्रपोर्शन में होते हैं, इसलिए ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल ओ बी अपॉन ओ डी साइड प्रपोर्शन में होंगे। प्रूफ। ठीक है, तो जब ये दोनों हमने सिमिलर प्रूफ किया मींस साइड्स जो है प्रपोर्शन में होंगे, तो साइड प्रपोर्शन में है तो हमारा ये प्रूफ हो जाता है। क्लियर है आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।